हेलो स्टूडेंट्स, तो हम फिर से हाजिर हैं 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही क्राइटेरिया काम कर रहे थे, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, और हमने उसमें लगाया था साइड एंगल साइड। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हम चेक कर लेते हैं क्राइटेरिया साइड एंगल साइड लगने वाला है या एंगल साइड एंगल। एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, A B C D is a quadrilateral in which AD is equal to BC। ये आप देखिए, AD is equal to BC। एक कंडीशन ऑलरेडी दे दी है गिवन के तौर पे। नेक्स्ट, एंड DAB, चेक इट, DAB ये जो एंगल है इज इक्वल टू CBA, CBA इस एंगल के। प्रूव करना है तीन चीजें। फर्स्ट, ABD ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन कौन ट्राइंगल, BAC ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के। हमारे पास दो कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, कौन कौन सी, एक तो एडी बराबर बीसी गिवन है, साइड्स दे रखी है, दूसरा है एंगल दे रखा है डीएबी, डीएबी एंगल इज इक्वल टू सीबीए, एक एंगल गिवन है। तीसरी कंडीशन वो हमें सर्च करनी पड़ेगी, बिकॉज गिवन नहीं है, वो देखना पड़ेगा। इसको अगर हम गौर से देखें, पहले तो ट्राइंगल देखो कहां कहां है आपको, एबीडी, ए बी, आप ट्राइंगल देखिए बेटा, पहले ये ट्राइंगल एक है, और ट्राइंगल नंबर टू बी ए सी दोनों में आया है, कॉमन है, तीसरी कंडीशन मिल चुकी है। तो आप लेकर चलिए सॉल्यूशन वैसे ही, इन ट्राइंगल जिन ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, उन्हीं को हमें लेकर चलना होता है। ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी, एबीडी एंड ट्राइंगल बीएसी, बीएसी सबसे पहली बात गिवन दे रखा है, एडी बराबर बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी, इसको मैं बोलूंगा गिवन। One more condition is given, angle DAB, angle DAB is equal to angle CBA, ये भी हमें given दे रखा है। और तीसरी condition हमने सर्च कर ली है, तीसरी condition आ रही है AB, जो कि ABD में भी है और BAC में भी है, तो इसका AB जो है वो हो गया, AB is equal to AB, ये हो गया आपका कॉमन, और कॉमन के साथ ही हमारी तीन कंडीशन पूरी हो चुकी है। और अब हम इसको डायरेक्टली बोल देंगे कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ तीन कंडीशन से मतलब है, खाली दो कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था और एक कंडीशन हमने सर्च आउट कर ली जो कि कॉमन निकली। और कौन सी क्राइटेरिया बना, साइड एंगल साइड, लिख दीजिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग हम इनको कर रहे हैं कि ट्राइंगल आपकी जो है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी, हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है। कोई डाउट है तो देख लीजिए, क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट में एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में एडी इज इक्वल टू बीसी ये हमें गिवन दे रखा है, एक एंगल भी गिवन है डीएबी एंगल इज इक्वल टू सीबीए एंगल गिवन है। हमने जब दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व किया तो हमें एबी दोनों में कॉमन नजर आया, तो हमने एबी कॉमन ले लिया, तो कंडीशन बनी साइड एंगल साइड, लिख दिया हमने साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीएसी, हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है।
फर्स्ट पार्ट क्लियर से मतलब है कि फुटबॉल ग्राउंड में जा चुका है, आप सिर्फ गोल करना बाकी है। तो गोल करना तो सिंपल ही होता है। तो ये आपका गोल रहा। BD इज इक्वल टू AC, सर्च कीजिए इसमें कहां है। BD इज इक्वल टू AD, दोनों के दोनों कॉन्वेंट ट्राइंगल की साइड्स है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, CPCD। तो आप इसके बाद में बोल दीजिए यहां पे कि कंडीशन नंबर दो है वो यहां लिख देता हूं, आपका BD इज इक्वल टू AC और क्या लिखेंगे आप, CPCD। ये आपका CPCD हो गया, ये आपकी कंडीशन नंबर दो हो गई क्लियर, ठीक है, ये सेकंड हो गया। तीसरा देखते हैं ABD, सर्च कीजिए कहां है ABD, छोटे वाला एंगल, ये छोटा ABD छोटे वाला एंगल, और दूसरी साइड क्या मांग रहा है, BAC इसका छोटे वाला, तो इसको भी हम CPCD में डालेंगे, तो थर्ड वाला भी CPCD। फुटबॉल यदि ग्राउंड में हो तो गोल करना बहुत आसान होता है, तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप सर्च कर करके और आप कॉन्वेंट प्रूव कर दीजिए। कॉन्वेंट प्रूव करने के बाद में जो नीचे के पार्ट है वो बहुत सिंपल होते हैं, उनमें आपको सिर्फ CPCD ही लिखना होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल। तो हर बार ऐसा ही हो रहा है कि हमें कॉन्वेंट प्रूव करनी पड़ती है ट्राइंगल दोनों, उसके बाद में जो नीचे के ऑप्शन आते हैं वो मोस्टली CPCD ही होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।